गर्ल्स मूवमेंट चाहिए मुझे हैवी। डेंजरस इश्क है, डेंजरस लैला, डेंजरस इश्क ऐसा ही गाना है और बहुत ही कमाल गाना है और बहुत ही मेहनत की हुई गाने पर। आप देखिए अभी पूरे सेट पे धुआं धुआं है, तो मतलब कुछ अलग ही कर रहे हैं। आइटम सॉन्ग, प्रमोशन सॉन्ग नहीं, फिल्म में कनेक्ट है, फिल्म में आता है एक जगह पे। लैला जो गाना अभी हुआ था, लैला में तो अभी डेंजरस लैला आ गए। मास्टर जी ने बड़ा डेंजरस सा कोरियोग्राफ किया हुआ है। मास्टर जी ने ये गाना कंपोज करने में 3 दिन लगाए, हालांकि वो जब रिहर्सल्स जब हम करते हैं तभी मास्टर जी 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि मैं मास्टर जी की असिस्टेंट रह चुकी हूँ। तो अगर और जो भी हूँ आज तक, मतलब बॉलीवुड में जो भी जानती हूँ, या कैमरा हो या कुछ भी हो, म्यूज़िक हो या डांस हो या बीट्स हो, तो उनकी वजह से जानती हूँ। तो अगर मुझे मेरे बॉस ने एक बार बोला कि भाई तुम्हें ये गाना करना है, तो मना तो कर नहीं सकती। डेजी है ये, बेसिकली मेरे पास असिस्टेंट थी पहले, असिस्टेंट कोरियोग्राफर में थी। उसके बाद 5 साल पहले वो साउथ में शिफ्ट हुए, उन्होंने 2 फिल्में की। कुणाल जी ने मुझे कहा कि एक लड़की चाहिए ऐसा है, और मतलब बड़े स्टार भी नहीं चाहिए। मतलब फिर मैं देखे, मेरे पास असिस्टेंट डेजी और साउथ में ही थे, मैं पूछ के देखता हूँ, आपको नंबर था पूछ लीजिए। तो उन्होंने डेजी को फ़ोन लगाया, डेजी ने उनको बोला कि मास्टर जी गाना कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर सकती। नाउ शी इज़ डूइंग दिस सॉन्ग। This is my second Hindi film. एक गाना बाकी है प्रमोशन एंड टाइटल सॉन्ग, ठीक ठीक प्रमोशन होगा तो ये गाना एकदम हिट हो जाएगा। बेसिकली थोड़ा अलग लुक है ये जो गाने का है, एक जंगल थीम दिया हुआ है इसके अंदर, थोड़ा रॉन्ची है, मतलब जैसे वाइल्ड होता है वैसा है। सो जैसा गाना है डेंजर है लैला, वैसा ही कोरियोग्राफी है, एकदम जंगली टाइप का। आप अगर अभी देखेंगे तो ये मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली रिवीलिंग टाइप्स है, एन एंजल कमिंग इन टर्निंग इन टू अ डेविल, इट्स मोर लाइक दैट फॉर मी।